नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस अंदरूनी संकट से जूझ रही है। यही वजह है कि दो दिन बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर चेहरा तय नहीं हो पाया है। शिमला में आज शाम अब से कुछ ही देर में फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीएम पद पर चल रहा सस्पेंस खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अब तक तीन नामों की चर्चाएं सबसे तेज है। इनमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री भी रेस में है। सुक्खू और प्रतिभा की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ये बैठक विधानसभा में होनी जा रही है। विधायक भी वहां पहुंचने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वहां सीएम का ऐलान संभव है। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ज्यादातर एमएलए ने सुक्खू के नाम पर हामी भरी है। हालांकि प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ है, ऐसे में उनको साधना भी चुनौती बन गया है। पार्टी हाईकमान एक ऐसे नाम पर विचार कर रहा है जिसे दोनों खेमे पसंद करते हों। सीएलपी की बैठक के बाद पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है जिसमें बैठक के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इससे पहले शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया था। विधायकों ने कहा था कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। पार्टी हाईकमान किसी भी तरह की नाराजगी नहीं रहने देना चाहती। यही वजह है कि संगठन सभी विधायकों से लगातार संपर्क में है और उनकी राय जान रहा है। इससे पहले शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग की थी और वन टू वन बात करके राय शुमारी ली थी। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत की राजनीति करती है उसके दिन अब लग गए हैं। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं जनता उनका इसी तरह सफाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा को समाजवादी लोग और आगे लेकर जाएंगे। झूठ, बेरोजगारी और महंगाई करने वाले को अब इसी तरीके से सफाई होगा। इस जीत से समाजवादी विचारधारा को एक नई ऊर्जा मिली है। बीबी का भी वोट डलवा दिया? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं तो ये अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पैसा बटा, अरे इतने मतदाता हैं, किसी को पैसा दिया तो बताओ। और पुलिस इतनी दौड़ती रही, गाड़ियां इतनी चेक हुई हैं, ये बीजेपी की हार जो है वो स्वीकार करना चाहिए। जो उन्होंने शोषण किया, जो महंगाई बढ़ाई, जो डीएपी किसान को नहीं मिली, जो महंगी बिजली थी, इन नौजवानों से पूछो किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिल सकता। ये सब कारण है जिस वजह से बीजेपी हारी है और बीजेपी की आंख खोल दी है मैनपुरी की जनता ने। श्रावस्ती में सेल्स टैक्स टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। टीम ने तीसरे दिन कौना बाईपास पर छापेमारी की। जीएसटी टीम ने बजाज बाइक एजेंसी पर छापेमारी की है। वहीं सेल्स टीम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी नेताओं ने टीम से छापेमारी को लेकर वार्ता की। वहीं जीएसटी अधिकारी ने कहा है कि छापेमारी से सभी व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक से मिले डिटेल के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जिनके बैंक खातों में गड़बड़ी है उन्हीं की जाँच हो रही है। श्रावस्ती की तस्वीरें जहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है जिसकी वजह से व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती में सेल्स टैक्स टीम की कार्रवाई की जा रही है। टीम ने तीसरे दिन कौना बाईपास पर छापेमारी की और बजाज बाइक एजेंसी पर यह छापेमारी चलती रही। वहीं सेल्स टीम की कार्रवाई से व्यापारियों में भी हड़कंप है, डर का माहौल है। व्यापारी नेताओं ने टीम से छापेमारी को लेकर बातचीत की है। वहीं जीएसटी अधिकारी का कहना है कि छापेमारी से व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। जिसकी डिटेल मिली है उसके आधार पर ही छापेमारी की जा रही है। शासन के तरफ से निर्देश हैं, कुछ चिन्हित व्यापारी हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी कर रखी है अपने बैंक ट्रांजैक्शन में या स्टेटमेंट में, उन्हीं की जांच केवल की जानी है। व्यापारियों से हम अपील करेंगे कि वो अपने दुकान प्रतिष्ठान खोलें, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर हम लोग पहुँचेंगे और उन्हीं की जाँच होनी है। उसके डर से सभी व्यापारियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, सब लोग अपना व्यापार करें। आप बताएंगे किस चीज़ को लेकर के छापेमारी हो रही है, इसे क्या डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए इनके पास? इनके पास लेजर होने चाहिए, इनके पास स्टेटमेंट होने चाहिए, रिटर्न इनके समय से फाइल होने चाहिए, प्रॉफिट जो होती है इनके उस पर टैक्स जमा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर डेटा एनालिसिस रिटर्न हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, अगर ऊपर से निर्देश आया है जो अगर उसमें कमी रहती है तब फिर इनके जाँच के लिए ऊपर उच्च अधिकारी चिन्हित करते हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सूर्यप्रकाश शुक्ला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तीन दिन से हम देख रहे हैं कि श्रावस्ती में एक के बाद एक जीएसटी टीम कार्रवाई कर रही है। जी, आपको बताना चाहती हूँ, जब तक श्रावस्ती में टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छापेमारी के दौरान जो व्यापारी है वो डरे हुए थे, जिससे बाजारों में सन्नाटा हुआ पत्रा दिख रहा था, कई दुकानें में शटर मसाला लगा हुआ था, व्यापारी अपनी दुकान बंद करके फरार हो जाते थे, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं चल कर नहीं आई है। जीएसटी अधिकारियों व्यापारियों के बीच में वार्ता हुई है, जिसमें जीएसटी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिस भी दुकानों पर छापेमारी की जाती है वो चिन्हित होते हैं, उनका सारा कुछ आय व्यय का ब्यौरा कंगाला जाता है, और जो बैंक से ट्रांजेक्शन उनके द्वारा किया जा रहा है उनमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जो इस आधार पर चिन्हित किए गए हैं, जो शासन स्तर से निर्देशित है उनके उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, अब तक क्या कुछ मिला है जीएसटी विभाग को, इसकी कोई जानकारी, और आगे कितने दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी श्रावस्ती में? नहीं, चूंकि चिन्हित व्यापारी है जो ट्रांजेक्शन में उनके बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें गड़बड़ी पाई गई है, जिसके आधार पर शासन द्वारा इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में छापेमारी कर उनकी सारी डिटेल को खंगाले, इस तरीके से जो भी जहां भी गड़बड़ियां मिली है उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, कुछ अधिकारियों को भेजेंगे, जिसके आधार पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हालांकि जो व्यापारी जो शटर बंद करके अपनी दुकानें बंद करके चले जा रहे हैं, उनसे फिर जीएसटी अधिकारियों ने अपील की है कि सभी अपनी दुकानें खोले, जो भी व्यापारी चिन्हित किए गए उनकी दुकान तक छापेमारी की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सूर्यप्रकाश। गाजीपुर के रजदेपुर देहात टिढ़वा रेलवे क्रॉसिंग के पास वेल्डिंग की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से दो लोग घायल हो गए, वहीं दुकान की दीवार में दरार पड़ गई और दुकान का टिन शेड उड़ गया। आपको बता दें कि दुकान खुलने के बाद दुकान के कर्मचारी और ग्राहक घटनास्थल पर मौजूद था। वेल्डिंग के वक्त गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हम थे नहीं, आए हैं, मौके पर पहुंचे हैं तो पता लगा है कि गैस सिलेंडर में जो कार्रवाई डालते हैं लोग वही फट गया है, दो लोग घायल हुए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं अभी फिलहाल में, पता लगा है कि नहीं सही ठीक ठाक है। के पास वेल्डिंग की दुकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी महताब आलम मेरे साथ गाजीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महताब, किस वक्त यह हादसा हुआ और घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे आज सुबह जो है गैस सिलेंडर फट गया, जिस जो वेल्डिंग करते हैं दुकानदार वहीं पर अचानक से गैस फट गया, जिसमें कम से कम दो लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को जो है तुरंत आनंद फानन में जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी मतलब इलाज किया है। मेहताब, किस वजह से यहां पर सिलेंडर जो है क्या वो लीकेज था या फिर आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ? जी, आपको बता दें कि वो जो है जब हमने बात किया तो बताया गया कि जो है वो जो लाइट उल्टी हो गई, इसी कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट से वो उस पर अचानक आग लग गया और ब्लास्ट हो गया वो। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए मेहताब। तो गाजीपुर का एक पूरा मामला जहां पर वेल्डिंग करते वक्त गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं दुकान की दीवार में भी दरार आ गई है। बांदा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने बांदा फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद न मिलने के कारण फसलों की बुआई नहीं हो पाई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाते हुए नजर आए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, किसान जाम लगाए थे अभी, किस समस्या में लेकर लगाए थे जाम? उन लोगों का कहना है कि यूरिया की कमी है, यूरिया इनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अवकाश होने के कारण जो है आज वितरण नहीं हो पा रहा है, सोमवार से वितरण होगा। किसान बेहद परेशान हैं और उन्होंने बांदा फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया।
वहीं आक्रोशित किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद न मिलने के कारण फसलों की बुआई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान है। मामले की सूचना जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट को मिली वो भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट किसी तरह लोगों को समझाते बुझाते हुए नजर आए और किसी तरह से जाम को खुलवाया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज गुस्साए किसानों ने एनएच को भी जाम कर दिया, क्या हल निकला है? जी मैं आपको बता दूं कि कोतवाली नगर क्षेत्र के आपका राष्ट्रीय राजमार्ग मंडी समिति का मामला है, जहां पर किसान एक सैकड़ा किसान मंडी समिति पहुंचे खाद न मिलने के कारण। वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। जाम करने के बाद भारी पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट जब वहां पहुंचने के बाद उनको आश्वासन ये दिया गया कि आज शनिवार और कल इतवार है तो इस छुट्टी को लेकर आज खाद आपको नहीं मिल पाएगी और सोमवार को आपको खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। जी पंकज, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, समस्या लगातार बनी हुई है। किसान परेशान है, अब फसल की बुआई नहीं हो पा रही है, ऐसे में किसान क्या करे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि बुंदेलखंड अंतर्गत जो बांदा जनपद है आपका, तो यहाँ समस्या हमेशा से किसान को बनी रही है। खाद, बीज, पानी, बिजली, ये समस्याएं हमेशा किसान को होती रही हैं। पर इसके चलते मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में सरकार कभी भी ध्यान नहीं दे पाती कि किसानों की समस्याओं को किस तरह सुलझाया जाए। बार बार खाद की किल्लत होना, सही समय पे खाद न मिलना, रैक पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में न आना, तो ये सब चलते जो है किसान की समस्याएं ज्यादा बनी रहती हैं। कहीं बिजली की समस्या ले लीजिए, आज खाद की समस्या है तो खाद की समस्या अगर आपूर्ति हो जाती है तो आप बिजली समस्या लीजिए कि आए दिन जो है कटौती होती है, तो किसान इस समय बुंदेलखंड का हर स्थिति में कहीं ना कहीं वो मार खा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज। फतेहपुर में नकली खाद बेचने की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम ने गोदाम में छापेमारी कर गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया। मौके से टीम को भारी मात्रा में नकली खाद और पिकअप गाड़ी मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई नकली खाद की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कोतवाली की पुलिस को और स्वाट टीम को मुखबिर ने सूचना दी थी कि मोहल्ला मजवानी में नकली खाद बना करके बेचने का काम चल रहा है। इस पर टीम ने कृषि अधिकारी को बुला करके उसके साथ में गोदाम पर छापा मारा और करीब 600 बोरी नकली खाद की बरामद की, जिनकी कीमत करीब मार्केट में 50 लाख रुपए है। ये भोले वाले किसानों को नकली खाद बेची जा रही थी। इसमें जो अभियुक्त है अतुल गुप्ता, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और उसको सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया गया है। पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है, नकली खाद यहां पर बरामद की गई है, 50 लाख रुपए की खाद बताई जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी बबलू सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फतेहपुर से। बबलू, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, चेकिंग अभियान भी चला रही है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो नकली खाद बना रहे हैं, गोदाम में रख रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके हौसले फिर भी बुलंद है? जी, जैसा कि आपको बता दूं कि काफी समय से यहाँ पर खाद की किल्लत चल रही थी, जिसको देखते हुए कि लगातार यहाँ पर नकली खाद बनाने का भी व्यवहार काफी तेजों से देखा जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर खाद की सचेत सूचना पर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्के तालाब में छापेमारी की, जिसमें छापेमारी के दौरान पुलिस व कृषि विभाग की टीम और स्वाट एसओजी की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली खाद की बड़ी खेप बरामद की गई और साथ ही साथ इसमें दो पिकअप कार भी बरामद की गई, जिसके तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है और साथ ही साथ इन पर कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसने का कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरी खाद को जब्त कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला जहां पर 50 लाख की नकली खाद बरामद की गई है, साथ ही साथ गोदाम में छापेमारी की गई, इनके पास से वाहन भी बरामद हुए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस आगे भी जाँच कर रही है। बस्ती जिले में बीते कई दिनों से वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने छापेमारी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर सड़क मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे।
व्यापारियों ने छापेमारी को तत्काल रोकने की मांग की है। बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा कि छापेमारी से व्यापारी डरे हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक के बाजार बंद हैं। व्यापारी का सभी लेखा जोखा उनके पोर्टल पर रहता है, वहां से देकर नोटिस भेज सकते हैं। देश में बड़ी संख्या में व्यापारी हैं, देश की अर्थव्यवस्था व्यापारी हैं। जिस दिन जिसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, उस दिन वो देश और व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि व्यापारियों का आरोप था कि जीएसटी के कुछ अधिकारी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग को उचित फोरम तक पहुंचाया जाए। यदि कोई अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर्वे छापेमारी जीएसटी काउंसिल द्वारा चलाई जा रही है। तीन तीन टीमें, एक टीम बस्ती की है, दो टीम बाहर से आई है और हमारे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे वो इस तरीके से छापेमारी मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि देश का आतंकवादी पकड़ा जा रहा है। भयग्रस्त है आम व्यापारी। जिला मुख्यालय से लेकर के कस्बे तक का व्यापारी समय भय के वातावरण में जी रहा है कि पता नहीं किसके यहाँ जीएसटी काउंसिल के अधिकारी रुक जाए और किसके ऊपर ये जुर्माना ठोक दे, किसके ऊपर मुकदमा कर दे। इस नाते वह भयभीत है और अफरा तफरी के माहौल में वह जी रहा है और सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार की तरफ से कोई आवे और हमको इस बात के लिए कहे कि आपके ऊपर इस तरीके की जो कार्रवाई हो। क्या कुछ रहा आज व्यापारी मंडल के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पर आए। निश्चित रूप से हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, संगठन में हैं। व्यापारियों को हमसे अपेक्षा होना स्वाभाविक है। उनके मन में आक्रोश था कि जीएसटी के कुछ अधिकारियों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मांग को उचित फोरम पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बस्ती के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार और संगठन दोनों मानवता के लिए प्रेरित है। किसी भी व्यापारी या किसी का उत्पीड़न संभव नहीं हो सकता है। यदि कोई अधिकारी किसी का उत्पीड़न करेगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पारस नाथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, जीएसटी की कार्रवाई लगातार जारी है, व्यापारी काफी गुस्सा है, काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने और दिन ये प्रदर्शन चलेगा व्यापारियों का? ये बस्ती उद्योग व्यापार मंडल है, इसके बैनर के तले लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी, ये मिल करके जो है ये आंदोलन कर रहे हैं कि लगातार कई दिनों से जो वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी हो रही है, इसको बंद किया जाए। इसको लेकर के आज सारे कार्यकर्ता और यहाँ के व्यापारी बस्ती के जो भाजपा कार्यालय है उस पर घेराव किए और सरकार के विरोधी नारे लगाए और जिला अध्यक्ष जो है भाजपा के उनके विरोध में भी नारे लगाए। उनसे उन लोगों ने भी ये कहा कि इसको बंद कराया जाए इसको लेकर के। और जो व्यापारी है उनका ये कहना है कि अगर ये चलता रहेगा तो हम लोग अब और नहीं जा पाएंगे। और ठीक है पारस, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बस्ती की तस्वीरें जो वहाँ पर व्यापारी ने काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया है। बलरामपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। शासन के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। इसको लेकर टीम ने उतरौला में 15 लीटर कच्ची शराब और 150 किलो लहन नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। रेहरा बाजार में भी 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, साथ ही एक अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुरादाबाद मुढ़ापाड़ी थाना क्षेत्र के मातीपुर उर्फ मैनी निवासी सनापुत्री वाहिद अली गुरुवार को ब्लॉक मुढ़ापाड़ी से अपना बीसी सखी का आई कार्ड लेने सुबह लगभग 11 बजे गई थी। आई कार्ड लेने के बाद वो घर नहीं पहुंची, परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने रात भर इंतजार किया लेकिन शुक्रवार सुबह थाने में तहरी दी। बता दें कि मुढ़ापाड़ी थाना क्षेत्र सनापुत्री वाहिद अली ग्राम मोतीपुर उर्फ मैनी ने बताया कि बेटी की शादी 4 जुलाई 2022 को अब्बास पुत्र अबरार ग्राम शकरपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर में हुई थी। लड़की समूह सखी का आईडी कार्ड ब्लॉक लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 40 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अधेड़ सुल्तानपुर की तरफ से आ रहा था, इस दौरान अधेड़ की अचानक तबत बिगड़ने से बस स्टैंड के पास मौत हो गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं लोगों की मदद से अधेड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वीरेंद्र निवासी कानपुर के रूप में हुई है।
बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना के मुडला गांव के सिवान में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के सिर और पैर पर चोट के निशान थे। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया है। मृतक की पहचान मुडला गांव के अरुण चौधरी के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पत्नी की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। संभल में तेज रफ्तार खनन डंपर ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। पति के साथ स्कूटी पर जा रही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी थाना कैला देवी से सूचना प्राप्त हुई थी कि संभल से गवां की ओर जाते समय सोनाली और सोनू ये स्कूटी से जा रहे थे। सामने से किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हुई जिसमें सोनाली की मृत्यु हो गई है। सोनाली 45 वर्ष वाइफ ऑफ संजय वासने ये सराय तरीन की रहने वाली हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। सर बताया जा रहा है कि अवैध जो खनन का डंबर था उसने टक्कर मार दिया। देखिए अभी किस वाहन से हुई है नंबर किसी ने नोट नहीं कर पाया है। जानकारी की जा रही है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।